नमस्कार, आइए इस पर हाथ पर प्रकाश डालते हैं। ये सरकारी नौकरी के अंतर्गत हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इनकी सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली की बात कर लूँ। ये कनिष्ठा उंगली एकदम पूरी तरीके से ये बिल्कुल खड़ी हुई उंगली होती है, और यहाँ पर इसका पहला पर्व सूर्य पर्व तक जाना उंगली का, ये अपने आप में एक बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है, शुभ बात मानी जाती है। जब जब ऐसी उंगली होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान और अच्छा ज्ञान वाणिज्य जानने वाला, और साथ ही साथ अच्छे करीने से रह करके लोगों से सद्भावना पूर्वक बात करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ बात करूँ इनकी सूर्य की उंगली की, सूर्य की उंगली का झुकाव शनि पर्वत की तरफ और शनि पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ हो रहा है। जब जब ऐसा देखने में आता है तो अधिकतर पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद, सिर्फ वैचारिक मतभेद तक की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो वैचारिक मतभेद थोड़ा सा रहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का है, क्योंकि सूर्य का जो इनका प्रभाव है ये अच्छा प्रभाव है, तो सूर्य एक तरह से राजा होता है और वो पसंद नहीं करता कि भाई लोग तरीके से न चल करके जो आज की जो दौड़ भाग है उसकी तरफ ज़्यादा उसका ध्यान कम होता है। चलिए बात कर लें आपकी सीधी सीधी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है। जब व्यक्ति की उंगली एकदम बृहस्पति की खड़ी हुई उंगली होती है तो ऐसा आदमी का समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपना सम्मान होता है, ज्ञान व्यान व्यक्ति होता है, धर्म के क्षेत्र में भी, उसका दान पुण्य के क्षेत्र में भी, सरकारी संस्थाओं में भी व्यक्ति को लोग जानते भी हैं। तो यहाँ चल देते हैं आपके बुद्ध पर्वत पर। बुद्ध पर्वत और बुद्ध उंगली तो बहुत बढ़िया थी, अब आते हैं बुद्ध पर्वत की तरफ। देखिए, इनका बुद्ध पर्वत कोई ना ज़्यादा उठा हुआ है और ना कोई ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर जो खड़ी रेखाएं जिनको मैं कहता हूँ वो खड़ी रेखाएं होनी ज़रूरी हैं। पर्वत अपने आप में अच्छा है, ये खड़ी रेखाएं यहाँ पर नहीं हैं। तो जब खड़ी रेखाएं, किस तरीके की खड़ी रेखाएं जरा बता दीजिए। तो यहाँ पर जब इस तरीके की खड़ी रेखाएं ज़्यादा नहीं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर है नहीं। तो यह पर्वत अच्छा है तो आपके पास धन बना रहेगा। बात कर लेते हैं सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर ये रेखा, और साथ में ऐसा देखने में लगता है जैसे यहाँ कोई स्टार सा भी बना हुआ हो, ऐसा भी लगता है जैसे यहाँ कोई स्टार हो। तो सूर्य पर स्टार जो होता है वो उसका शुभ चिन्ह होता है, इसका होना बहुत बढ़िया शुभ चिन्ह माना जाता है, ये व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में अच्छा सम्मान दिलवाता है। बात कर लेते हैं धन के स्वामी शनि की। शनि का पर्व भी अपने आप में ना ऊंचा है ना दबा हुआ है, बहुत अच्छे इंडिकेशंस के साथ में यहाँ पे धन रेखाएं चल रही हैं और स्टेप बाय स्टेप सही है, यानी कि 55 वर्ष के बाद में भी स्थिति सामान्य अंत समय तक बड़ी बढ़िया बनी रहेगी। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लेते हैं। बृहस्पति पर्व आपका इतना शानदार है कि इसमें दो दो स्टार हैं, एक नीचे स्टार एक ऊपर स्टार। यदि बृहस्पति क्षेत्र पर दो दो स्टार हों और यहाँ से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत को भी जा रही हो तो इसका मतलब है आदमी या तो शिक्षा के क्षेत्र से या ज्ञान के क्षेत्र से या सरकारी संस्थान के जरिए व्यक्ति सरकारी नौकरी में लग करके धन कमाता है। और इन्होंने बताया है कि ये मुझे सरकारी नौकरी में मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर वो चिन्ह भी मुझे एक स्टार सूर्य पर्वत पर मिला और एक यहाँ पर मुझको यहाँ पर ये दो दो क्रॉस के चिन्ह, तो ये सरकारी संस्था में थे, सरकारी नौकरी में थे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आइए चलते हैं सीधा सीधा सवाल के साथ साथ मैं इनकी रेखाओं को भी पढ़ूंगा। देखिए, इनका एक सवाल है कि क्या मुझे सरकारी नौकरी का जब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा तो क्या मुझे उसके बाद में भी जो है व्यवसाय करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। देखिए, आपकी 60 साल का यहाँ पर जहाँ ये ब्रेक आकर रेखा टूट गई है, ये 60 ईयर है, यहाँ पर टूट करके ये हल हुई है, और इसके बाद दूसरी रेखा ने बृहस्पति को देखा और ये आगे वाली रेखाएं भी बृहस्पति को देख रही हैं, और साथ ही साथ आपके बुद्ध पर्वत पर मुझे कोई व्यापार का चिन्ह नहीं मिला, और इधर भी यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ भी कोई हल्का सा वैसी कुछ नज़र आता है, ये मुझको स्वास्थ्य रेखा नज़र आती है, ये व्यवसाय रेखा नज़र नहीं आ रही।
आपको मेरी सलाह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी शिक्षा के संस्थान से जुड़कर या अपने ही डिपार्टमेंट के कार्यालय से जुड़ करके ही कार्य करें, नहीं तो आपको व्यवसाय के द्वारा आपकी धन का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो व्यवसाय का यह हाथ नहीं है, आगे भी आप नौकरी ही करते रहें। चलिए आपकी बात कर लेता हूँ सीधा सीधा हृदय रेखा की। ये हृदय रेखा इतनी बलवती और इतने बाल पड़ रहे हैं इसमें, यहाँ दीप बन बन करके चल रही है इस जगह पर। ये इस तरीके के जब दीप बन करके चलते हैं तो ये दीप हृदय रेखा, हृदय बीमारी की बात नहीं कर रहा, हृदय रेखा होती है जी आदमी की पत्नी, आदमी के बच्चे, आदमी का परिवार। जब मैं ये रेखा देखता हूँ तो ये बलवती रेखा होकर के चल रही है। जब जब ऐसी बलवती रेखाएँ होती हैं तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं। तो यहाँ वैचारिक मतभेद के हिसाब से जो मुझे जो नज़र आया वो मैं आपको बोल रहा हूँ। वैचारिक मतभेद आपके पति पत्नी के आपस में बने ही रहेंगे, वो लास्ट तक वैचारिक मतभेद तक है, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात मैं इसमें नहीं कह सकता। चलिए बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा की। ये मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा में भी चौड़ापन है, यहाँ पर भी इतना ज़्यादा चौड़ापन होना और दो मुख का छोटा छोटा सा खुल जाना लास्ट में, तो और यहाँ से ये रेखाएं बनी हुई हैं जो व्यक्ति को दूर के स्थानों से, या कह दीजिए कि मस्तिष्क में चिंता, तो मस्तिष्क के में चिंता की तो ऐसे समझिए कि लगातार आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इस तरह का ये इंडिकेशन आपकी मस्तिष्क रेखा से, बुद्धि रेखा से मिला। वैसे बुद्धि रेखा अपने आप में प्रबल है, अच्छी है, उससे कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा आपकी आयु रेखा की। यहाँ देखिए आपकी आयु रेखा, और आयु रेखा पर यदि मैं देखूँ तो बिल्कुल यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक ये रेखा गई, और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर 78 वर्ष पर जाकर ये रुकी है। तो जब ये आयु रेखा है यहाँ पर 78 वर्ष की, तो 78 तो आपकी इस समय ही है, बाकी ये रेखाएं भी आगे और भी बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए ऐसा ना समझें कि जो कोई इससे मैं कोई ये मैंने 78 कह दिया तो ये पक्का हो गया, इससे आगे भी रेखाएं बढ़ जाती हैं। अंदर मैं बात कर लेता हूँ आपकी मंगल रेखा की, संजीवनी रेखा की या बजरंग बली रेखा की। ये रेखा जब जब किसी को मिलती है तो व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाले रोगों से बहुत जल्दी उसको बाहर निकाल लेती है, आने वाली मुसीबतों से बाहर निकाल लेती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और चाहे वो सामाजिक रूप से हो और चाहे वो स्वास्थ्य रूप से हो। तो तीनों से बाहरने के लिए मंगल रेखा आपके पास, अच्छी मंगल रेखा आपको ये मिली हुई है। और साथ ही मंगल पर्वत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मंगल पर्वत, और मंगल पर्वत पर यहाँ पर ये जो चिन्ह हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं जाकर के लगातार आयु रेखा को और मस्तिष्क रेखा को, तो व्यक्ति अपनी हिम्मत पर, अपने बल पर अपने कार्यों को सिद्ध करने में, स्वयं को सिद्ध करने में समर्थ है। तो यहाँ पर ये भी देख लिया मैंने आपका मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा देखी मैंने आपकी, आपको मैंने आपकी वो भी बता दिया कि व्यापार रेखा आपकी प्रबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके शुक्र पर्वत की। ये देखिए आपका शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत पर ये अच्छी क्रॉसिंग लाइन है, ये बढ़िया है। तो इसको मैं एक कह सकते हैं कि भाई सुख सुविधाएं आपके पास में, आपके स्तर की सुख सुविधाएं आपके पास बनी रहेंगी और अंत तक बनी रहेंगी, ये अपने आप में अच्छे चिन्ह हैं। तो शुक्र पर्वत भी आपका अच्छा है, उसमें भी आप कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपको सब तरीके से आप संपन्न हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दीप बना और उस दीप के अंदर जाकर के ये आपकी संतान रेखा बनी। जब जब इतने बड़े दीप से संतान रेखा बनती है तो ये व्यक्ति को संतान के द्वारा वैचारिक मतभेद की बात बताती है। तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद जो संतान से संबंधित पूछा था वो भी वैचारिक मतभेद ही है, इससे ज़्यादा कुछ बुरा ना समझें। चलिए बात कर लेते हैं, आपने कहा विदेश यात्रा योग। यहाँ चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से कोई ऐसा जबरदस्त इंडिकेशंस मुझको नहीं मिल रहा, एक गहरी रेखा मुझको इस तरह की चाहिए। ये तो सबकी सब भाग्य रेखा तक चली गई हैं,
तो ये यात्राएं करवाती हैं नौकरी के में समझ लीजिए, या वैसे भागदौड़ कराती हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा इंडिकेशंस नहीं मिला जिससे मैं कह सकूँ कि विदेश यात्रा का योग अभी हाथे बन गया। ये रेखाएं हाथ के अंदर 9 महीने के अंदर भी बन जाती हैं, तो ये विदेश यात्रा का अभी फिलहाल में कुछ नहीं लगता। आयु का पूछा आपने, आयु का मैंने बता दिया। शुक्र पर्वत के बारे में आपने पूछा, शुक्र पर्वत को मनाती है। चलिए एक रेखा है आपकी जिसने आपने पूछा नहीं है, भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा यहाँ जा गई और इसके साथ में एक सपोर्टिंग रेखा ये चली गई और यहाँ से ये इधर को भी जुड़ गई, और ये भाग्य रेखा ऊपर जा कर के जहाँ तक मैंने खींची है यहाँ 50 वर्ष और ये यहाँ तक 60 वर्ष। तो हाथ के अंदर भाग्य रेखा, राहु रेखाओं ने कोई ज़्यादा काटा नहीं है, तो ऐसे कोई विशेष ज़्यादा बाधाएं भी नहीं आई होंगी। थोड़ा सा यहाँ लगता है देखने में कि कुछ यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बना होगा, ये लगभग आयु का 53वां या 52वां वर्ष है, तो यहाँ बना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का खर्चा बना होगा 56वें वर्ष के आसपास। तो इस तरह की रेखाएँ दिखलाई देती हैं। भाग्य रेखा अपने आप में प्रबल है, सही है, कोई इसमें किसी प्रकार की मुझे खराबी नज़र नहीं आती। आशा करता हूँ कि मैंने आपके सभी सवालों का आपको जवाब दे दिया होगा। फिर भी आपने कहा था कि मैं कुछ बाद में पूछ सकता हूँ, तो चलिए आप पूछ लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आपको पूजा में यदि आप मुझसे चाहें तो आप अपनी पूजा में मानसिक शांति को शिव शंकर को जोड़ लीजिए। अगर आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं वो बाधाएं आपकी दूर करेगा। आप चाहें तो शिव परिवार को रोजाना स्नान करा सकते हैं। जो भी आपने नग पहन रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी नग आप पहने रखिए। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब खत्म हो गया होगा। नमस्कार।